रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये करीब 7 महीने के भीतर दूसरी बार है जब आरबीआई के किसी उच्च अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया। और इससे पहले आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसमें अहम बात यह है कि डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कार्यकाल पूरा होने के करीब 6 महीने पहले ही अपने पद को क्यों छोड़ दिया है। और विरल आचार्य आरबीआई के उन बड़े अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें उर्जित पटेल की टीम का हिस्सा माना जाता था। जानकारी के मुताबिक विरल आचार्य अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेटन स्कूल ऑफ बिजनेस में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि आचार्य ने 3 साल के लिए आरबीआई के बतौर डिप्टी गवर्नर 23 जनवरी 2017 को ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है और अब डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने भी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया है। और 7 महीने में ये दूसरी बार है कि किसी उच्च अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया था। और अब आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर ने अपना पद छोड़ दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब न्यूयॉर्क में बतौर प्रोफेसर वो ज्वाइन करने वाले हैं और इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है।